जिससे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल लुक आ जाएगा और टेस्ट भी आपको इसमें वैसा ही आएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर करें। आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसे हो आप सब। आशा है बहुत बढ़िया होगे। आज हम आपके साथ मिलके बनाने जा रहे हैं कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हमने आधा किलो पनीर ले लिया है, ये थोड़े से काजू ले लिए, और ये टमाटर, प्याज, अदरक, हरी मिर्च और ये लहसुन और हरी मिर्च भी हमने ले ली है। ये देखिए कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है। आप तेल घी जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसमें वो हमारा तेल गर्म हो गया, उसमें हमने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। अब जीरा डालते ही हम इसमें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सब डाल देते हैं और इसी के साथ हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फुल आंच पे ही हमें इसको भूनना है। देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून के रेडी हो रहा है। इसी में हम डाल देंगे पिसा धनिया 1 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी हींग, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा किचन किंग मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च, और इसी में हम थोड़ा सा काजू डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब गैस हमने कर दी है बंद। इसको मसाले को अब हमें करना है ठंडा। इसको फैला के रख देंगे पंखे के नीचे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा मसाला एकदम ठंडा हो गया। अब इसको हमने मिक्सर जार में डाल दिया और इसको हम पीस लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मसाला हमारा रेडी हो गया पीस के। अब हम तड़का लगाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स पनीर को हम जिस हिसाब से आप काटना चाहें उस हिसाब से उतने मोटे या छोटे टुकड़े कर सकते हैं। ये देखिए उसी कढ़ाई में हम तेल और डाल देते हैं। ये हम कटोरी में थोड़ी सी दही ले लेते हैं। हरी मिर्च को हम बीच से चीरा लगा लेते हैं, इसके 2 पार्ट्स कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें हमने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और इसी में हम जो हमने मसाला पीसा था टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन वाला वो हम इसी में डाल देते हैं। ये देखिए इसको 2 से 5 मिनट तक भूनने के लिए हम रख देंगे। ये देखिए अब इसी में हम दही डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसी में हम एक चम्मच बटर डाल देंगे। अब इसी में हम थोड़े से एक प्याज हमने करीब लच्छेदार कर लिए, उसको हम इसी में ऐसे ऊपर ही डाल देते हैं। ये देखिए अच्छे से बॉयल आने के बाद हम इसमें पनीर डाल देते हैं, जो पनीर के हमने ये छोटे छोटे पीसेस किए थे। ये देखिए ये हम इसी में फैला के सब जगह डाल देते हैं। थोड़ा सा पनीर को हम एकदम घोर करके एकदम चूरा करके वो भी हम इसमें डाल देते हैं। अब इसी में हम गरम मसाला 1/4 टीस्पून डाल देते हैं। ये देखिए हरी मिर्च के जो हमने टुकड़े किए थे वो भी हम इसमें डाल देते हैं। अगर आपको इस तरह हमारी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए तेल में हमने कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी फ्राई करके वो भी हमने ऊपर से डाल दी। अब इसके ऊपर हम हरा धनिया से गार्निश कर लेते हैं और ये देखिए अदरक के हमने छोटे छोटे लंबे टुकड़े किए थे वो भी हम इसी में डाल देते हैं, जिससे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल लुक आ जाएगा और टेस्ट भी आपको इसमें वैसा ही आएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें। आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। आप अगर कमेंट करके बताएंगे तो हमें ऐसे मोटिवेशन होता है ताकि हम अगली रेसिपी आपके लिए मस्त मस्त बना के जल्दी जल्दी लाएं। बाय बाय।